हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल पारा इन्फो वर्ल्ड। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अप्रैल 2020 के करंट अफेयर्स, जो कि पार्ट टू है ये सीरीज़ का। हम एक्चुअली जनरली ये पार्ट वेरियस पार्ट्स में लेते हैं ये करंट अफेयर्स हर एक महीने का। और एक्चुअली आप सोचते रहेंगे कि वीकली करंट अफेयर्स तो महीने हफ्ते का एक ही रहना चाहिए, तो ऐसा इसलिए मैं नहीं करता हूँ क्योंकि एक ही वीकली करंट अफेयर्स किया तो वो वीडियो ज़्यादा लंबा हो सकता है और सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हमको कवर करने रहते हैं। इसलिए मैं जनरली एक वीक का करंट अफेयर्स दो पार्ट्स में कवर करता हूँ, सो दैट सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर हो जाए और वीडियो भी ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। और हमेशा की तरह स्टैटिक जीके भी, जो भी रेलेवेंट स्टैटिक जीके वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, उसको भी मैं डिस्कस करता हूँ। तो आप सब क्वेश्चंस को अच्छी तरह से स्टडी कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऐप इज़ लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया to fight against COVID-19। COVID-19 के खिलाफ लड़ने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो उस ऐप का नाम है आरोग्य सेतु, बी करेक्ट आंसर है। और इसके बारे में देखते हैं ये किसने लॉन्च किया। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने किया है और ये सार्वजनिक निजी साझेदारी के तौर पर विकसित किया गया है, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तौर पर किया है। तो ऐप कोरोना वायरस से प्रभावित होने के जोखिम की पहचान करने में मदद करता है, तो आइडेंटिफाई द रिस्क ऑफ गेटिंग अफेक्टेड बाय द कोरोना वायरस, ये ऐप का उद्देश्य है। और जिसके वजह से गवर्नमेंट को एक हेल्प, एक डेटा मिलेगा जिस डेटा के बेस पे गवर्नमेंट कुछ रिस्क ऑफ स्प्रेड, जो भी COVID-19 की रिस्क है उसको स्प्रेड होने से कैसे रोका जाए, इसलिए ये गवर्नमेंट उस पर काम करेगा। तो उसको गवर्नमेंट को डिसीजन लेने में मदद करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द सुंदरम होम फाइनेंस। सुंदरम होम फाइनेंस के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो उनका नाम है डी लक्ष्मी नारायणन, ए करेक्ट आंसर है। तो उनके पहले प्रबंध निदेशक कौन थे? श्रीनिवास आचार्य थे, प्रीवियस मैनेजिंग डायरेक्टर। और सुंदरम होम फाइनेंस के चेयरमैन कौन है? तो टी श्रीनिवास राघवन है, जिसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय हाउ मच परसेंटेज RBI इंक्रीज द वेज एंड मींस एडवांस लिमिट फॉर स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूनियन टेरिटरीज कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ कोरोना वायरस पेंडेमिक। RBI ने कोरोना वायरस महामारी के प्रभाव को देखते हुए राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितने परसेंटेज वेज एंड मींस एडवांस, जो कि WMA, उसकी सीमा बढ़ाई है। तो ये WMA क्या है वो भी देखते हैं हम आगे में, लेकिन पहले हम देखते हैं कितने परसेंटेज से बढ़ाया है सीमा लिमिट। तो वो है 30%, सी करेक्ट आंसर है। तो WMA स्कीम एक्चुअली 1997 में शुरू हुई थी, 1997 में। और WMA क्या करता है? तो WMA के तहत RBI जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, टेम्पररी लोन प्रोवाइड करता है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को। तो भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र और राज्य सरकारों को अस्थायी ऋण सुविधाएं देती है। अब ये 30% जो WMA लिमिट बढ़ाई है तो कब तक है? तो 30 सितंबर 2020 तक ये 30% रहने वाली है। तो ये काफ़ी, इस पर से देखिए हर एक क्वेश्चन, हर एक सेंटेंस पे एक एक क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि 30% WMA लिमिट कब तक रहने वाली है, ये क्वेश्चन हो सकता है। तो 30 सितंबर 2020 आपको ख्याल में रखना है। और ये WMA क्या करती है? तो उसके तहत RBI केंद्र और राज्य सरकारों को अस्थायी ऋण सुविधाएं देती है। और WMA योजना कभी शुरू हुई? तो 1997 में शुरू हुई। तो ये सब क्वेश्चंस आपको GK के तौर पे काम में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट इज टू बाय मल्टी फीड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड फॉर COVID-19 पेशेंट्स, इट इज़ डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। आंध्र प्रदेश सरकार COVID-19 रोगियों के लिए मल्टी फीड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड खरीद रही है, यह किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो ये विकसित किया गया है इंडियन नेवी ने, भारतीय नौसेना ने ये डेवलप किया है, डी करेक्ट आंसर है। भारतीय नौसेना जो विशाखापट्टनम है उन्होंने ये डेवलप किया है। तो शुरू में भारतीय नौसेना ने उपकरण उस गवर्नमेंट को मुफ्त में उपलब्ध कराए हैं। अभी इस रिलेवेंट GK क्या आना चाहिए, तो एटलीस्ट कम से कम हमको ये मालूम चाहिए कि भारतीय नौसेना के हेड कौन है, तो वो देखते हैं। नौसेना स्टाफ के प्रमुख कौन है? तो एडमिरल करमबीर सिंह, ये आपको ख्याल में रखना है, चीफ्स ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल करमबीर सिंह।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इनिशिएटिव हैज़ बीन स्टार्टेड बाय सिविल सर्विसेज एसोसिएशन टू फाइट कोरोना वायरस? कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सिविल सेवा संघों ने कौन सी पहल शुरू की है? तो उसका नाम है करुणा, सी करेक्ट आंसर है। अब ये सिविल सर्विसेज क्या है, तो ये IPS IAS ऑफिसर IR ऑफिसर उनकी एक एसोसिएशन है, उसका वो सिविल सर्विस एसोसिएशन वो मानी जाती है, तो उन्होंने ये शुरू की है पहल। और किस लिए शुरू की है? टू सपोर्ट एंड सप्लीमेंट गवर्नमेंट्स एफर्ट इन फाइटिंग कोरोना वायरस, सरकार के प्रयासों का समर्थन और पूरक करने के लिए ये उन्होंने शुरू किया है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, ठीक है। तो और कोरोना का फुल फॉर्म क्या है, तो वो इंग्लिश में ही देखते हैं क्योंकि CARUNA ऐसा वर्ड कैसे है वो देखते हैं। तो सिविल सर्विसेज एसोसिएशन रीच टू सपोर्ट इन नेचुरल डिजास्टर्स, ये करुणा है का फुल फॉर्म है, सिविल सर्विसेज एसोसिएशन रीच टू सपोर्ट इन नेचुरल डिजास्टर्स। तो थॉट्स ऑफ दिस वीडियो, जैसे कि मुझे भी इस ऐसे थॉट्स से काफ़ी इंस्पिरेशन मिलता है, तो आपको भी मैं उम्मीद करता हूँ आपको मिलती रहेगी, तो आप उसको अच्छी तरह से जानते जाइए और उस पर काम करते जाइए। तो आज का थॉट्स है द सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड इज़ गेटिंग स्टार्टेड, मतलब क्या है, हमको आगे तो जाना है, हमको UPSC क्रैक करना, IAS ऑफिसर बनना है, SSC क्रैक करना है, लेकिन हम जनरली बहुत बार क्या करते हैं, स्टार्ट नहीं करते, उसको सिर्फ सपना ही रखते हैं और हार्डवर्क चालू नहीं करते। तो स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है और उसको कंटिन्यू करना बहुत ज़रूरी है। तो द सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड इज़ गेटिंग स्टार्टेड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द चेयरमैन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एम्पावर्ड कमिटी, निम्नलिखित में से कौन विज्ञान और प्रौद्योगिक अधिकार समिति का अध्यक्ष है? तो उनका नाम है विनोद पॉल, ए करेक्ट आंसर है। तो भारत सरकार ने इस समिति का गठन किया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एम्पावर्ड कमिटी का। तो ये किस लिए गठन किया है, टू मेक स्पीडी डिसीजंस ऑन R&D फॉर COVID-19, जो भी रिसर्च करना है और COVID-19 के लिए उस पर शीघ्र निर्णय लेने के लिए कमिटी बैठाई है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और समिति के अध्यक्ष कौन है, नीति आयोग के सदस्य विनोद पॉल और के विजय राघवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑनलाइन हैकाथॉन इज लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट एम्स टू वर्क ऑन सॉल्यूशन फॉर COVID-19, भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑनलाइन हैकाथॉन लॉन्च किया गया है जिसका उद्देश्य COVID-19 के समाधान पर काम करना है? तो उस हैकाथॉन का नाम है हैक द क्राइसिस इंडिया, बी करेक्ट आंसर है। तो एक क्राइसिस वर्ड आपको ख्याल में रखना है, हैक द क्राइसिस इंडिया। और इसके बारे में क्या है देखते हैं, तो ये किसने लॉन्च किया, तो श्री संजय धोत्रे जी ने लॉन्च किया है। संजय धोत्रे जी कौन है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, संचार और मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसके मंत्री राज्य मंत्री है, उन्होंने लॉन्च किया है। ये ग्लोबल इनिशिएटिव है, एक्चुअली वैश्विक पहल है जिसने भारत ने एक इसमें हिस्सा लिया है। और ये ऑनलाइन हैकाथॉन का आयोजन कौन कर रहा है, तो हैक ए कॉल्स इंडिया और फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन पुणे इस ऑनलाइन हैकाथॉन का आयोजन कर रही है और इसको सपोर्ट कर रही है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो इस पर भी ये क्वेश्चन के जैसे कहा सकते हैं कि ये इस ऑनलाइन हैकाथॉन का कौन आयोजन कर रहा है, तो हैक ए कॉल्स इंडिया और फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन पुणे इस ऑनलाइन हैकाथॉन का आयोजन कर रही है। Which company is working with foreign collaboration on developing a nasal vaccine for COVID-19? COVID-19 के लिए नासिका टीका विकसित करने पर कौन सी कंपनी विदेशी सहयोग से काम कर रही है? तो वो कंपनी का नाम है भारत बायोटेक, सी करेक्ट आंसर है। तो हैदराबाद बेस्ड ये बायोटेक कंपनी है और किसके साथ जॉइंटली कोलाबरेशन करके काम कर रही है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्कॉन्सिन मेडिसन और US की एक कंपनी है फ्लूजेन, उनके साथ मिलकर ये भारत बायोटेक कंपनी काम कर रही है वैक्सीन के लिए, ठीक है। ये और वैक्सीन का नाम क्या है, तो कोरोफ्लू है, ये भी ये सब इन्फॉर्मेशन आपको ख्याल में रखनी है। जैसे कि ये भारत बायोटेक कंपनी किसके साथ काम कर रही है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्कॉन्सिन मेडिसिन और एक कंपनी है फ्लूजेन, US बेस्ड कंपनी, उनके साथ ही काम कर रही है। और वैक्सीन का नाम क्या है, तो कोरोफ्लू एक ये वैक्सीन वो काम कर रही है इस पर, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मशीन इज अलाउड बाय ICMR फॉर कंडक्टिंग कोविड 19 टेस्ट रिसेंटली। हाल ही में ICMR ने कोविड 19 परीक्षणों के लिए किस मशीन की अनुमति दी है? तो TB टेस्टिंग की मशीन की लिए ये परमिशन दी गई है। डी करेक्ट आंसर है। तो और देखते हैं, ICMR का फुल फॉर्म क्या है? भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और TB परीक्षण मशीन का नाम क्या है? तो ट्रूनेट बीटा COV। तो ये कोविड 19 के टेस्ट करने के लिए भी अभी यूज़ की जाएगी ये मशीन। ठीक है, तो ICMR के बारे में और देखते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट होता है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में और स्थापना हुई थी 1911 में। और अभी करंट डायरेक्टर जनरल महानिदेशक कौन है ICMR के? तो प्रोफेसर बलराम भार्गव है। नेक्स्ट है, स्टार्टअप एरोबियोसिस इनोवेशंस डेवलप लो कॉस्ट वेंटिलेटर, वेयर इज दिस स्टार्टअप इंक्यूबेटेड? स्टार्टअप एरोबियोसिस इनोवेशन ने कम लागत वाले वेंटिलेटर का विकास किया है। तो यह स्टार्टअप कहाँ से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है IIT हैदराबाद। ए करेक्ट आंसर है। तो वेंटिलेटर का नाम क्या है? तो जीवन लाइट इस वेंटिलेटर का नाम है। और यह कम लागत वाला पोर्टेबल आपातकालीन उपयोग वाला वेंटिलेटर है। और IIT हैदराबाद के निदेशक कौन है? तो प्रोफेसर BS मूर्ति है। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको ख्याल में रखने हैं, जैसे कि वेंटिलेटर का नाम जीवन लाइट, ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी रहेगी और यूज़फुल भी लगी रहेगी। तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए आपके फ्रेंड सर्कल में, सो दैट हमको भी इंकरेजमेंट मिलती है और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी बेनिफिट मिलता है। और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस किया तो आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो और इसकी फ्री PDF भी अवेलेबल है वीडियो के साथ में, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।